ध्यान से देखें तो अभी तक जो मैंने आपको गुण बताए ये आपके सारे पर्सनल ट्रेड, आपके खुद के गुण, इन गुणों की वजह से अगर ये गुण किसी के अंदर होते हैं आपके आगे फर्दर गुणों का जन्म होता है और वो जो गुण जन्म होते हैं वही गुण अब आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे। ये पार्ट वन के गुण थे, मैं पार्ट टू पे आ रहा हूं। शिष्टाचारी होना, ईमानदार होना, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति होना, ये व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, जो दूसरों में खुशियां बांटता है, जिन लोगों में ये वाले गुण होते हैं वो लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां लाइट आ जाती है, रोशनी आ जाती है। ये लोग जिस महफिल में जाएंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिन गुणों के आपने बात की है वो गुण उसके पास हैं, और जब वो आपकी महफिल में आता है तो उसको मिलके आपको कैसा लगता है सोचिए। जो खुशियां बांटता है, जो हंसाता है, जो आपकी मदद करता है, जो शिष्टाचार से पेश आता है, जो दूसरों को आदर देता है, जो आपकी बात को ध्यान से सुनता है। आजकल वो लोग नहीं मिलते जो हमारी बात सुने, लोग अपनी बात कह के मन हल्का कर लेते। जब ऐसा व्यक्ति अगर आप इमेजिन करें तो उस व्यक्ति में एक गुण अपने आप आएगा, वो गुण है कि वो व्यक्ति एंथुजियास्टिक होगा। यानी कि वो व्यक्ति जोश से भरा होगा, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पॉजिटिव एनर्जी। ये व्यक्ति के पास से पॉजिटिव ऊर्जा रिलीज होती रहेगी। ये बहुत बड़ा गुण है जो चाहिए, जो पुराने गुणों पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने पहले उन गुणों का जिक्र किया। खाली पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, जब तक वो गुण नहीं है ये एनर्जी ठीक से आएगी नहीं। आएगी तो अधूरी आएगी, आएगी तो उसमें एक नेगेटिविटी मिक्स होगी, क्योंकि उस ऊर्जा का फायदा क्या जो आपको लोग रिस्पेक्ट ही ना दें। आप कितने भी ऊर्जावान बन के घूमे लेकिन अगर लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो वो ऊर्जा उनके किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आपका चरित्र ऊंचा है, अगर आप में अखंडता है, अगर आप में इंटीग्रिटी है, आप ईमानदार हैं, आप लोगों को इज्जत देते हैं, उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, छोटे से बच्चे से भी सीखने के लिए तैयार है, छोटे से बच्चे को भी आदर करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, जब ऐसा व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ कहीं आता है, अगर उसमें एंथुजियाज होता है, जोश होता है, ऐसा व्यक्ति जब लोगों को हंसाता है, हंसता है, खुशियां बांटता है, जब ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी महफिल में जाता है तो उस महफिल को रोशन कर देता है, उस महफिल में ऊर्जा भर देता है। ऐसे लोगों से पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है, ऐसे लोगों से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। और मैं ऊर्जाओं के बारे में आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ऊर्जाएं कॉन्टेजियस होती हैं। जैसे छुआछूत की बीमारी होती है तो फैलती है ना छूने से, ऐसे ऊर्जाएं भी कॉन्टेजियस होती हैं, फैलती हैं। अगर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में चले जाएं, आप कितने भी खुश हो आपकी सारी एनर्जी निचड़ जाएगी। अगर आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास जाके थोड़ी देर बैठ जाएं आपका सिर भारी हो जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी पॉजिटिव ऊर्जा वाले लीडर के पास चले जाएं वो आपका सारा दुख हर लेगा। मात्र उसके साथ बैठने से ही आपके आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, बात करने की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसी ऊर्जा निकालता है अपने अंदर से कि आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा को खा जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है लीडर बनने के लिए। यहां से असली शुरुआत होती है दोस्तों, यहां से असली शुरुआत होती है, यहां से लीडर के पहले गुण की बात आती है।
ऐसा व्यक्ति इन सभी गुणों को मिला के जो गुण तैयार होता है उस गुण को बोलते हैं पॉजिटिव ऊर्जा वाला व्यक्ति। खाली पॉजिटिव बातें करने वाला नहीं चाहिए, पॉजिटिव चरित्र वाला चाहिए। जब ऐसे गुण किसी व्यक्ति के पास होते हैं ऐसे व्यक्तियों के चरणों में झुकने का मन करता है, उनको सुनने का मन करता है, उनको फॉलो करने का मन करता है, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाने का मन करता है, उनको अपना मार्गदर्शक बनाने का मन करता है। सिर्फ इतने से गुणों से ही इतना प्रभाव आ जाता है, अभी गुण और भी बाकी हैं, लेकिन ये सारे गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। पॉजिटिव ऊर्जा वाले आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। अब इन गुणों का बखान कर रहा हूं मैं, पुराने गुण नहीं तो इन गुणों का कोई मान्यता नहीं, पुराने गुण पहले चाहिए, उनके साथ आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वैसे ही उनमें होता ही है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं इसको डिवाइड करके समझा रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड आप सबको पता है क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास। जब आपके आसपास भगवान ने ना हम सबको अलग अलग गुण बख्शे हैं, दूसरों की गुणों की तारीफ करके भी वो गुण आप में आ सकते हैं। चार गुण मेरे में है, चार गुण सरबजीत में है, चार गुण संजय में है, चार गुण सुमित में है, चार कुश में है, चार रमनीक में है। अगर हम एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करें वो भी सच्चे मन से तो वो गुण हमारे पास आ जाएंगे। ये एक रूल होता है। मैंने ये बात इसलिए बोली आपको क्योंकि हमारे पास मेरे ग्रुप में भी जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कोई व्यक्ति मैंने देखा तो उसका नाम है रमनीक सिंह। ये जो तारीफ कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, आप जब खुले मन से किसी की तारीफ करते हैं तो एक्चुअली में आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गुण मुझे भी देना, हे भगवान ये गुण मुझे भी देना। मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बोला कि मुझ में भी कुछ गुणों की कमी है, मैं भी दोषपूर्ण हूं, मगर मैं खुले मन से उसे स्वीकार करता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोष ये छीन लेना और उसके लिए कर्मठ भी हूं और कर्म करता रहूंगा और अपने जीवन में इन गुणों को पाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। ये आप सबके सामने कह रहा हूं और आपको भी यही कहना चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड पे हर कोई व्यक्ति खूब बात करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति वो है जब वो सड़क पे चलता है तो ये नहीं कहता कि रेड लाइट आ गई। अक्सर हम बोलते हैं ना यार वो दो रेड लाइट पड़ेंगी, तीसरी रेड लाइट के बाद मेरा घर है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो दो ग्रीन लाइट आएंगी और तीसरी ग्रीन लाइट के बाद मेरा घर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलिए ना यार। कितने लोग हैं जो रेड लाइट बोलते हैं ग्रीन लाइट बोलते हैं? सब लोग रेड लाइट बोलते हैं क्योंकि दिखती रेड है। तो ये अगर हमारे अंदर है तो ये सूचक है कि हम नेगेटिव हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब दोष ही दोष दिखाई दें, आप देखिए ना, स्कूल में एक टीचर का मैंने वीडियो देखा था, उसने एक टेबल लिखा 9 का। टेबल कहते हैं वो पहाड़ा हिंदी में, 9 * 9 = 18, 9 * 3 = 27, 9 * 4 = 44। आपने भी वही किया, मैंने 3 सही बोले थे, वो नहीं देखा आपने, चौथे पे पकड़ लिया। वो पूरा पहाड़ा ठीक लिख देगा, हम फट से बोलेंगे अरे सर वो गलत। देखिए गलत पकड़ने में बुराई नहीं है, मगर समस्या यह है कि आपने 9 के बारे में नहीं बात की। आप 9 के बारे में जो मेजोरिटी में ठीक है, 9 पहाड़े मैंने सही लिखे जो मेजोरिटी में ठीक है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो गलत है उसकी कर रहे हैं। गलत की भी कीजिए, जरूरी है क्योंकि सीखने के लिए आवश्यक है, लेकिन 9 को नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड दर्शाता है। अगर आपने एक पानी का ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो वो कुछ लोगों के लिए आधा भरा हुआ और कुछ लोगों के लिए आधा खाली है,
ये भी एक नजरिया है। आप किसी घटना को कैसे देखते हैं वो तय करता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बड़ा पावरफुल शब्द है, बहुत ही पावरफुल कामयाबी के लिए। जिनको भगवान ने ये एटीट्यूड बख्शा है ना, वो जो हैप्पीनेस मैंने आपको बोली है ना हैप्पीनेस, उनका 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो हर घटना में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। क्योंकि पॉजिटिव होता है, वो ढूंढते नहीं है, वो है वहां पे लेकिन वो उसको ढूंढ लेते हैं। और हमारा नजरिया तय करता है कि वो है या नहीं है। हम खाली हिस्से को देखेंगे या भरे हिस्से को देखेंगे। एक गिलास में आधा गिलास आधा पानी भरा हुआ है, जो लोग कहेंगे ये गिलास आधा खाली है, उनको तनाव होगा क्योंकि उन्हें लगेगा पानी है नहीं। और जो लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, उन्हें तनाव नहीं होगा, उन्हें संभावनाएं दिखेंगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखेगी, उन्हें रिसोर्सेस दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में जब सफलता की यात्रा पर जाते हैं तो जो आपके हाथ में एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसी को मल्टीप्लाई करने की कला अगर आपको आती है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको रिसोर्स दिखाई नहीं देंगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको दिखाई देगा ही नहीं कि आधा ग्लास पानी बचा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगा इसका इस्तेमाल कैसे करो। लोग एक बहाना मैनेजमेंट करके अपनी असफलताओं को छुपाते हैं और उसके पीछे उनका नेगेटिव एटीट्यूड जिम्मेदार होता है। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए, अरे वो हमारे घर में लाइट नहीं आती ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता, इसलिए नंबर कम आ गए। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है वो इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढेगा। वो कहेगा हमारे घर में लाइट नहीं आती ना, और मैं मोमबत्ती जला के पढ़ता हूं, दुनिया का कोई बंदा मुझे काम करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि इस समय कुछ काम करने के लिए होता नहीं, मैं ढंग से पढ़ाई कर लेता हूं, इसलिए मैं फर्स्ट आता हूं। ये डिपेंड करता है आप ढूंढते क्या, बहाना या अवसर। जो लोग समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और आपको एक बड़ी मजेदार बात बोलता हूं, जहां सबसे ज्यादा समस्याएं हैं वहीं पे सबसे ज्यादा अवसर है। क्योंकि अवसर की सही परिभाषा क्या है, समस्याओं का जो निदान करता है वही अवसर है, वही अवसर है। अगर कहीं पे बहुत सारी समस्याएं और आप जाके उसका समाधान करते हैं तो आप समझिए कि आपका सितारा बुलंद हो गया, आप चमक गए, आप कामयाब हो गए। तो जब समस्याएं होती हैं वहां अवसर होते हैं, और अवसर को कौन पहचानता है, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो लोग ऊर्जावान होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की ही संतान है। एक शब्द दे रहा हूं, एम्बिशियस। एम्बिशियस को हिंदी में बोलते हैं महत्वाकांक्षी। और एक शब्द होता है, जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है वो महत्वाकांक्षी हो नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिए, जिसके पास चीजों को देखने का पॉजिटिव नजरिया नहीं है वो महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो जीवन में कुछ कर गुजरना चाहता है, जो कुछ बदल देना चाहता है, जो कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, जो किसी बड़ी समस्या का समाधान करना चाहता है, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जो किसी अवसर का फायदा उठा के कुछ बड़ा करना चाहता है वो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। मैंने आपको बोला अवसर समस्याओं की संतान है। जो लोग समस्याओं में अवसर नहीं ढूंढ पाते उनकी महत्वाकांक्षा खोखली है। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है वो बदलाव नहीं कर सकता। आप लोगों को सुनेंगे अक्सर ये कहते हुए, अरे हमारे देश में कुछ बदल नहीं सकता, बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं, अरे यहां तो ऐसे ही चलेगा,
यहाँ कभी कुछ नहीं सुधरेगा, यहाँ करप्शन कभी खत्म नहीं होगी, ये चोरी चकारी चलती रहेगी, ये लोग कौन है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले या नेगेटिव एटीट्यूड वाले, क्या आप इनको महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, क्या ये लोग देश बदलने की बात का ख्वाब देख सकते हैं, क्या ये लोग बड़े सपने देख सकते हैं, क्या ये लोग उनको बदलने का प्रयास कर सकते हैं? तो पॉजिटिव एटीट्यूड की संतान है महत्वाकांक्षा। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है वो महत्वाकांक्षी भी नहीं हो सकता। तो मैं वापस आता हूं, जो मैंने पहले आपको गुण दिए थे उन गुणों की संतान कौन है? ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के संतान है महत्वाकांक्षा। और जिसको जो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता, जिसके पास पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है, जो जोशीला नहीं है, जो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज नहीं करता, जो हर घटना में पॉजिटिव नहीं ढूंढता, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। आपने वो पिक्चर देखी है, संजय दत्त की वो पिक्चर आई थी जादू की झप्पी, मुन्ना भाई MBBS देखिए आप सबने। उस पिक्चर का सारा क्रक्स क्या था? क्या संजय संजय दत्त क्या मुन्ना भाई डॉक्टर था? उसके पास सिर्फ ये गुण थे, और इस गुण से उसने उस हॉस्पिटल में एक पैरालिटिक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। इतनी ताकत एक लीडर के अंदर होती है दोस्तों, इतनी ताकत एक लीडर में होती है, और वो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से एक पैरालिटिक व्यक्ति को भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो उसमें विश्वास भर देता है अपनी ऊर्जा से। तो उसकी नकारात्मकता को, नेगेटिव एटीट्यूड को जला के राख कर देता है, उसको लीडर कहते हैं। वो एक व्यक्ति को उसके गुणों से, उसकी एक व्यक्ति को उसके गुणों से उसकी पहचान करवाता है, उसे लीडर कहते हैं। लेकिन मैंने बोला, जब तक आप खुद दीपक नहीं है, आप दूसरा दीपक नहीं जला सकते। अब दीपो भव, पहले खुद दीपक बनना होगा, पहले ये गुण अपने अंदर लाने हो। जब आप ये गुण लाएंगे तो आप लीडर कहलाएंगे, और जब इन गुणों से दूसरों के घर रोशन करेंगे तो आप महान लीडर कहलाएंगे, ग्रेट लीडर्स कहलाएंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है। मैंने अपनी तर्ज चेंज की है ताकि आपके दिमाग में बात घुसा सकूं। अब जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, जिस व्यक्ति के पास ख्वाब होते हैं, जिस व्यक्ति के पास सपने होते हैं, इन ऊर्जाओं के साथ वो कैसे अपने ख्वाबों को पूरा करता है, स्वार्थ के ख्वाब भी और परमार्थ के ख्वाब भी, अपना भी जीवन बदलता है और वो व्यक्ति देश भी बदलता है। ऐसा लीडर में एक और गुण होता है, और वो गुण है विजन। विजन को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शिता। मेरी हिंदी के लिए क्षमा करना, बार बार बोल रहा हूं। दूरदर्शिता क्या होती है? दूरदर्शिता कोई बताएगा? दूरदर्शिता के मतलब हुआ कि दूर का सोच रखने वाला, यानी कि कोई भी काम करने से पहले नजदीक का फायदा नहीं बल्कि दूर का नुकसान हम लोग को देखना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। विजनरी व्यक्ति कौन होता है? एक होता हम आंखों से देखते हैं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। विजनरी वो होता है जो बिटवीन द लाइन रीड करता है। विजनरी व्यक्ति वो होता है, जो आप लोगों ने भी जवाब दिया है, जो भविष्य में झांक सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सब विजनरी हैं। पूछे क्यों? ग्रेस की अपॉर्चुनिटी आप जैसे बहुत सारे लोगों के पास आई थी, लेकिन आप विजनरी थे, आप देख पाए कि ये कंपनी मेरा भविष्य बदल सकती है, इसलिए आप विजनरी हैं। तो जब आप देख पाते हैं, जो घटना भी घटी नहीं है, जहां पे आपको एंटीसिपेट करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, जहां आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, जहां आपको मालूम नहीं है क्या होने वाला है,
वहां आप अपने सारे तर्क लगाते हैं, खुले मन से उस अवसर को, उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में जितने बड़े बदलाव हुए हैं वो विजनरी लोगों ने किए हैं, जो देख पाए थे कि कल क्या होने वाला है। वो लोग जिन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की और बड़े बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो गई, वो लोग विजनरी कहलाते हैं। वो लोग जिन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और मेहनत करते करते उसको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया, उसको विजनरी कहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी रईस लोग हैं उसमें से सिर्फ 10% है जो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। 90% लोग जमीन से उठ के ऊपर गए हैं, आप जैसे लोगों की तरह, मेरे जैसे लोगों की तरह। और ये विजन ही है जो इन लोगों को दूसरों से अलग करता है। और विजनरी होने का गुण, उसके लिए कोई स्पेशल बात नहीं चाहिए, उसके लिए पहले वाला गुण चाहिए, When you are open to listen everybody, जब आप दूसरों को सुनने के लिए खुले मन से तैयार होते हैं, जब आप दूसरों के बारे में कोई राय पहले से कायम नहीं करते हैं, चाहे वो अवसर हो, चाहे वो समस्या हो या बदलाव हो। तीन शब्द दे रहा हूं मैं, क्या? समस्या, अवसर और बदलाव, ये तीनों स्थिति को निपटने के लिए विजनरी लोग चाहिए। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी उन्हें नसीब होती है जो विजनरी होते हैं, और विजनरी वो होते हैं जो खुले मन से दूसरे की बात को सुनते हैं, खुले मन से उसके ऊपर तर्क करते हैं, खुले मन से उसकी गहराई में जाते हैं और खुले मन से उसका आकलन करते हैं और फैसला लेते हैं। अवसर हो या समस्या हो या फिर तीसरी चीज क्या है, बदलाव हो, क्योंकि कोई भी बदलाव होता है लोगों को पसंद नहीं आता, और जिन लोगों को बदलाव पसंद नहीं आता वो विजनरी नहीं होते। जो बदलाव का आकलन करते हैं वो विजनरी होते हैं, क्योंकि बदलाव अपने साथ अवसर लाता है। अगर बदलाव इस धरती में नहीं होता तो इतनी तरक्की नहीं होती। हर तरक्की एक बदलाव का सूचक है। हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, बैलगाड़ी पे से हम साइकिल पे आए, साइकिल से बाइक पे आए, बाइक से कार पे आए, कार से हवाई जहाज पे आए। ये सब बदलाव है। और जिन जिन लोगों ने इनकी पहली पहली यात्राएं की, जिन जिन लोगों ने इनको बनाया और इनके बारे में सोचा, वो सब वो थे जो भविष्य में देख पाए, और वो विजनरी थे। कौन थे? विजनरी लोग मशाल लेके सबसे आगे चलते हैं। विजनरी लोग बदलाव के नायक होते हैं। विजनरी लोग समस्याओं के समाधान करने वाले व्यक्ति होते हैं। विजनरी लोग अवसर के फायदे उठाकर करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाते हैं। तो विजनरी शब्द बहुत ही ताकतवर है, मगर फिर से बोल दो, विजनरी के साथ ये सारे गुण चाहिए। अगर विजनरी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नहीं है, अगर विजनरी पॉजिटिव ऊर्जा वाला नहीं है, अगर विजनरी महत्वाकांक्षी नहीं है, अगर विजनरी के पास बहुत सारे गुण नहीं है, तो किसी काम का नहीं है विजन। इस बात को एक बड़े प्यारे उदाहरण से समझाता हूं। आज मैं बड़े सारे लीडरशिप के गुण की बखान करने वाला हूं। आपका एक महान नायक बनना इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास नंबर एक सारे के सारे गुण होने चाहिए और नंबर दो सही अनुपात में होने चाहिए। अनुपात को समझिए तो बैलेंस, सब कुछ चाहिए और बैलेंस में चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कभी अपनी माता जी को सब्जी बनाते हुए देखा है? देखा है? हम सबकी फेवरेट अलग अलग सब्जियां होती हैं। किसी की छोले की सब्जी होती है, किसी की शाही पनीर होती है, किसी की कढ़ाई पनीर होती है, किसी की दाल मखनी होती है। किसी भी सब्जी का एग्जाम्पल उठा लीजिए जिसको आपने अपनी माता जी को बनाते हुए देखा है। एक स्वादिष्ट सब्जी बनना किस बात पे निर्भर करता है? मान लीजिए हम शाही पनीर की सब्जी बना रहे हैं। अगर आप सबसे बढ़िया शाही पनीर ले आए तो क्या सब्जी स्वाद बनेगी? गारंटी है? नो। उस सब्जी में बहुत सारे
मसाले गिरते हैं। अगर सारे के सारे मसाले उस सब्जी में गिरे, सही अनुपात में गिरे, सही टेम्परेचर पे उसे कुक किया जाए, जितना कुक करना है उतना ही कुक किया जाए, और आपकी माताजी की लीडरशिप वो सब हो, आपकी माताजी की स्किल हो, तब जाके वो सब्जी स्वाद बनेगी। एग्री और डिसएग्री? अगर आपकी माताजी उस सब्जी में खाली नमक डालना भूल जाए, बाकी सब कुछ डाल दे, क्या सब्जी स्वादिष्ट बनेगी? ऐसे ही कामयाबी है, ऐसी ही लीडरशिप है दोस्तों। कोई भी गुण जब उसमें अनुपस्थित होता है वो सारे गुणों को अफेक्ट करता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला गुण हो गया तो चल गया, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी को भी पाने का प्रयास करना है, बाकी के गुणों को धारण करने का प्रयास करना है, मान्यताओं को पीछे छोड़कर वास्तविक सत्य को अपनाना है, उससे आपके पास लीडरशिप आएगी। चले आगे। हम पहुंच गए विजन तक। एक अच्छे लीडर ने विजन देखा, जैसे आपने ग्लेज का विजन देखा, आपने नेटवर्किंग शुरू की, अपना बिजनेस खड़ा करना शुरू किया, लेकिन ये लीडर, ये बिजनेस आपको आपकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे इस अवसर के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ, आप ग्लेज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि अगर आप विजन के बाद फैसला लेने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक और गुण की जरूरत है, वो है साहस, यानी कि करेज। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, ये अवसर बड़ा अच्छा है, इस समस्याओं में मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे आज आपने एक समस्या सुबह समझी, बहुत सारे लोगों के मन में बड़ा कुछ ख्याल आया होगा, मैं समस्या में कुछ कर सकता हूं, इस समस्या को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये विजन उनके यहीं रह जाता है, वो फैसला नहीं लेते, क्योंकि उस फैसले को लेने के लिए उनमें साहस नहीं होता, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने से वो लोग डरते हैं, क्योंकि वो रिस्क का आकलन नहीं करते। जो लीडर है वो क्या करता है, उसमें साहस होता है, वो डिसीजन लेता है, वो डिसाइसिव होता है, उसमें फैसला लेने की ताकत होती है। लेकिन जब फैसला लेना है तो उसका क्या मतलब है, फैसला कैसे होता है, ऐसे नहीं कि बस फैसला ले लिया, उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। जब मैं रिस्क की बात करता हूं तो आपको समझना होगा कि रिस्क और गैम्बलिंग में फर्क होता है, रिस्क और जुआ में फर्क होता है। जुआ खेलना रिस्क नहीं है, जुआ खेलना बुरी आदत है जो होनी नहीं चाहिए। रिस्क बिजनेसमैन लेता है, रिस्क विजनरी लेता है, रिस्क लीडर लेता है, मगर वो रिस्क कैलकुलेटिव होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपको बर्बाद कर दे, वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, उसके लिए वो उस अवसर का, उस समस्या का, उस बदलाव का तर्कपूर्ण आकलन करता है, पॉसिबल चीजों को समझता है, और उसके बाद वो बड़ी हिम्मत के साथ फैसला लेता है, और चूंकि वो लीडर है सबके साथ डिस्कशन करता है, लेकिन उस फैसले की जिम्मेदारी लेता है कि मैं लेता हूं ये फैसला, मैं ये करूंगा। तो अगला गुण जो चाहिए वो साहस चाहिए। किस चीज का साहस? करेज टू लीड। क्या चाहिए? लीड करने का साहस चाहिए, उस फैसले की जिम्मेदारी लेने का साहस चाहिए। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की थी तो मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा, मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि तू बीएससी ऑनर फिजिक्स करके, फिजिक्स का टीचर करके ये कौन सा काम शुरू कर दिया है। ये सब चीजों के डर, फियर सब था मेरे पास,
और मुझे यकीन है ऐसे डर से आप लोग भी निकले होंगे। लेकिन उसमें जो हमारा विजन कह रहा था, जो मेरे दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमने देखा था, आपने देखा था, उस विजन के आधार पे जो साहस के साथ फैसला लेना था वो करेज होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क उठाना था वो करेज होना चाहिए, और उस करेज से ही आप अगला कदम उठाएंगे। वो अगला कदम क्या होगा? जब आपने विजन लिया, जब आपने रिस्क कैलकुलेट किया, जब आपने फैसला लिया, फैसला लेने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लक्ष्य। वक्त आ गया लक्ष्य बनाने का। जो अवसर आपने पहचाना है, आपने गलेस पहचाने। मैंने अभी वो माता का लक्ष्य लिया है, जो विजन आपने देखा है, जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप आगे आए, जिस अवसर के लिए आप आगे आए, जिस बदलाव के लिए आप आगे आए हैं, अब उसका लक्ष्य बनाने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपने फैसला ले लिया कि मैं अब करूंगा, और जब मैं करूंगा तो क्या करूंगा ये पता होना चाहिए, मुझे कहां पहुंचना है मुझे पता होना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है मुझे पता होना चाहिए, और यहां पे ये लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सपनों में और लक्ष्यों में क्या फर्क होता है मुझे मालूम है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है। सपना वेग होता है, मुझे घर चाहिए ये सपना है, लेकिन मैं इस घर को अगर लक्ष्य में बदल दूं तो क्या लक्ष्य होगा कौन बताएगा? मुझे एक शानदार घर चाहिए ये सपना है, इसका लक्ष्य में बदल के कौन बताएगा? आप बताइए, ये लेडी है, इनको दीजिए माइक। प्लानिंग लक्ष्य के बाद आएगी दोस्त, अभी लक्ष्य की बात हो रही है। आपका ख्वाब हो सकता है कि मुझे घर चाहिए, मैं वो ड्रीम है, इस ड्रीम को लक्ष्य में बदलें तो लक्ष्य के फॉर्म में अगर इस ड्रीम को बोले तो क्या होगा, ये उत्तर चाहिए मुझे, आप बताइए। सबसे पहले मुझे उस घर की अगर लक्ष्य है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको मैं उस घर को कब बना रहा हूँ और कितने लाख का बना रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस घर पे मैं कितने कमरे रखूंगा, कहाँ कहाँ पे कौन सा सिस्टम रखूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। आपने लक्ष्य का काफी हिस्सा बता दिया। गोल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गोल हमेशा स्मार्ट होता है। स्पेसिफाइड, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंड और रियल। बैठे, थैंक यू। किरण के लिए क्लैपिंग करिए प्लीज। गोल शुड बी स्पेसिफाइड। पहली बात तो गोल क्लियर होना चाहिए कि क्या है। जैसे आपने बोला गोल घर, मगर घर कैसा? टू बेडरूम, फ्लैट, कोठी, कहाँ चाहिए? दिल्ली में चाहिए, किस एरिया में चाहिए? उसको डिफाइन कीजिए कि ये मेरा घर होगा। उसकी आपके पास तस्वीर हो तो और भी अच्छा है। अगर आपने घर वो विजिट कर रखा हो, जैसे मैं बोलूं मुझे KG1 ब्लॉक में विकासपुरी में MIG फ्लैट चाहिए, ये स्पेसिफाइड घर हुआ। ठीक है, तो गोल कैसा होता है? आपने ख्वाब दिखा घर होना चाहिए, मगर गोल रियल होता है, वास्तविक। ये रहा, इसकी तस्वीर बनाइए, और अगर अपने गोल के बारे में क्लियर है तो बेशक उसको देख के आइए। आज जेब में पैसे हैं कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाइए, उस घर को देख के आइए और उसका खाका अपने दिमाग में बिठाइए। क्योंकि जो हकीकत बननी है उसका पहला स्टेप है कि आपकी सोच में उसका बीज डलना चाहिए, और बीज जब डाला जाता है तो आपको पता होता है कि कौन सा पौधा उगेगा।
अगर गेहूं उगाना हो तो बाजार से कौन सा बीज लाते हो? गेहूं का। मगर पता होता है ना गेहूं कैसा होता है। तो जोन सा घर ला रहे हो आपके सब कॉन्शियस माइंड में उसका बीज जाना चाहिए, और वो बीज सोच का बीज तब बनेगा जब आप उसे रियलिटी में वास्तविकता में महसूस करें। आप उस घर की फोटो खींच के अपनी दीवार पे लगा दीजिए, यकीन करिए वो घर बन जाएगा। ठीक है, तो गोल स्पेसिफाइड हो गया। दूसरा, गोल मेजरेबल होना चाहिए। ये फ्लैट की कीमत क्या है? इस फ्लैट की कीमत है 75 लाख रुपए। जो गोल मेजर नहीं किया जा सकता वो वेग होता है, वो ड्रीम है, वो ख्वाब है। आप वहां जाके मार्केट में पता कीजिए और उसकी कीमत लिखिए कि आज 75 लाख का है। उसके बाद गोल टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड मतलब मुझे कितने साल में घर चाहिए? 5 साल में चाहिए। 5 साल बाद इस घर की कीमत कितनी होगी? शायद 90 लाख होगी। तो मेजरेबल में आप 90 लाख लिखिए। गोल शुड बी अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ऐसे खाम मत देखिए जो अचीव नहीं हो सकते। पता लगा आपने बोला मेरा खाम है मैं चांद पे घर बनाऊंगा, मत देखिए खाम। अभी चांद पे प्लॉट कटने शुरू नहीं हुए। ठीक, मेरा खाम है मैं 1 साल में 20 करोड़ की कोठी बनाऊंगा, प्रैक्टिकल नहीं। जिस क्षेत्र पे आप काम करने जा रहे हैं, जो आपकी कर्म भूमि है, उसमें क्या पोटेंशियल है वो चेक कीजिए। और इसका सबसे सिंपल उदाहरण होता है कि वहां पर सबसे अधिकतम कमाई किसने की है, जो 75 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने शॉर्टेस्ट टाइम में कितनी देर में कमाए हैं, सॉरी 90 लाख रुपए कितने वक्त में वहां पर किसी ने कमाए हैं और किसने कितनी देर में कमाए हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि 90 लाख रुपए कमाने के लिए कितना वक्त लगेगा। अगर वो वक्त 5 साल है तो 5 साल लिखिए, और फिर अपनी समर्थ भी चेक करिए कि मैं उसके कंपैरिजन में क्या इतना दौड़ पाऊंगा पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि हर एक की काम करने की समर्थ अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से एक प्रैक्टिकल गोल बनाएंगे। अब आपने गोल बना लिया, गोल समझ में आ गया सबको, क्लियर। इस गोल को आप जहां सोते हैं उसके सामने वाली दीवार पे लगाइए चित्रों के साथ। सुबह उठते ही दिखाई देना चाहिए ये मेरा गोल है, ये मैंने लक्ष्य बनाया है। और सबसे पहले अपने विजन और अपने लक्ष्य पे भरोसा करता है एक लीडर। सबसे पहले अपनी सोच पर, अपने कैलकुलेशन पर विश्वास करता है लीडर। क्योंकि सबसे पहले अगर आप खुद को लीडर नहीं मानेंगे, लोग आपको लीडर नहीं मानेंगे। तो जब आप गोल बनाते हैं तो एक प्रैक्टिकल रियल टाइम बाउंड स्मार्ट गोल बनाइए। और गोल बनाने के बाद अगली चीज क्या है? अगला सवाल एक लीडर पूछता है कि मैं इस गोल को पूरा कैसे करूंगा। क्योंकि ये गोल प्रैक्टिकल है तो इसके बाद जरूरत होती है किसकी? प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो एक लीडर एक अच्छा प्लानर होता है, योजना बनाने वाला। महात्मा गांधी ने अगर योजना नहीं बनाई होती तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। हर बड़ा अचीवमेंट के पीछे एक अच्छा गोल, एक अच्छा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना। तो एक अच्छा लीडर एक अच्छा प्लानर होता है।